इतने एपिसोड हो गए हमारे इस शो के, कभी इसको हमने स्पेशल एंट्री नहीं दी। अभी इसकी फिल्म का ट्रेलर आया, पीछे पैर पकड़ के बैठा था, मेरे को स्पेशल एंट्री दे दो, मैं हीरो बन गया हूँ। देखा सर मैंने इसकी फिल्म का ट्रेलर, हेट स्टोरी, उसका नाम होना चाहिए था लेट स्टोरी। क्यों? कोई उठा ही नहीं पूरी फिल्म में, सब लेटे हुए हैं, पता है चौकीदार भी लेटा हुआ है। अच्छा अच्छा, साजिद सर स्वरा आपका स्वागत है ऑन डाबर रेड टूथपेस्ट प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट की रात पावर्ड बाय हाइप स्टार। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं फॉर साजिद सर एंड फॉर स्वरा। बल्ली एक मिनट यार बोलने दे यार, तमीज से आज बदतमीज वाले सवाल नहीं। क्यों, बुआ जी की बेटियां आई हैं आपकी? एक तो तेरी बुआ जी के कितने बच्चे हैं बे, हर चीज में बुआ जी बुआ जी बुआ जी। गरीब आदमी के बच्चे जो होते हैं ना उसकी कोई गिनती नहीं होती, पता है सर। आप देखो जैसे आप हो फरहान, अक्सर जितनी भी हीरोइंस हमारे शो में आती, मन करता है उनके गले मिलूं, आपके पैर पड़ने का मन कर रहा है, पता है क्यों? तेरे को घुटने नहीं नजर आ रहे, क्यों, क्या होता है यार? ऐसी इमेज हो गई है ना सोरा मैम की। इमेज क्या, क्या इमेज हुई है? हिंदुस्तानी क्यूट और ओपन लेटर टाइप फीलिंग। ओपन लेटर, कौन सा लेटर? व्हाट्सएप के जमाने में भी ओपन लेटर लिखते हैं, पता है कितनी हिंदुस्तानी है। तो बताइए चिट्ठी के बारे में कुछ थोड़ा सा। अब मैं क्या बताऊं सर, सबको पता चल गया है चिट्ठी के बारे में। ये लव लेटर ओपन लेटर में क्या फर्क है, आप बता सकती हैं? लव लेटर किसी के थ्रू छिपा छिपा के भेजना पड़ता है, ओपन लेटर जिसको लिखते हैं वो छुपता फिरता है बेचारा। लव लेटर के एंड में किस मिलता है, ओपन लेटर के एंड में मिलता है, तो वो मुझे पढ़ रहे हैं काफी सारे। बट सर आपको तो हमेशा से यू नो इंडस्ट्री में मुफट बोला जाता था, अभी मुफट के नए कैंडिडेट आपके साथ में बैठी हैं, तो कंपटीशन आ गया मार्केट में। कंपटीशन तो ये कैसा लग रहा है आपको? मैं इसके बारे में एक ही बात बोलूंगा, मैं आई थिंक 3-4 साल पहले मिला था, ये एक्चुअली एक लड़की है, मैं बोल रहा हूँ। ये तो हम सबको पता ही है। नहीं, बाकियों का मतलब क्या है? ओपन लेटर में थोड़ी मर्दानी हो जाती है। लेकिन ये एक्चुअली एक लड़की है और सुशील लड़की है। मुझे आई थिंक इनकी जरूरत है, मैं बिल्कुल सुशील गुणवती बहुत अच्छी लड़की हूँ, बड़ों की इज्जत करती हूँ, सिगरेट भी नहीं पीती, मैं अरेंज मैरिज के लिए आइडियल कैंडिडेट हूँ। गाइस एवरीवन इज मिसइंटरप्रेटिंग माय लेटर, एक्चुअली आई लव दीपिका, आई लव हर, मैं खिलजी बनना चाहती थी, वो चांस तो मिला नहीं, फिर वो जौहर में मर गई फिल्म में, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा जी। तो ये मैंने इसलिए लेटर लिखा है, मेरे लेटर का रियल स्पिरिट कोई समझ नहीं पा रहा। अच्छा, लोग वी और वाई से शुरू होने वाले वर्ड्स में फंस रहे हैं। यू आर अ फैबुलस एक्ट्रेस और तुम्हारी छवि एज एन एक्ट्रेस बनी है, एंड पीपल शुड लव यू फॉर दैट। जब आप हर चीज इतनी फ्रीली करती हैं, तो फिर विकिपीडिया पे 3 लोगों की ड्यूटी क्यों लगाई है उम्र चेंज करने के लिए? इसका क्या जवाब है आपके पास? यार एक मिनट, जस्ट बिकॉज मैं क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्ट्रेस हूँ उसका ये मतलब नहीं है कि मेरी इनसिक्योरिटीज नहीं है, ठीक है, मैं भी यंग दिखना चाहती हूँ। Nobody has to know your real age. Tell me my age. अच्छा, इन्होंने मुझे अपनी असली एज बता दी और मैं आपको बता दूं कि मैं इतने सीनियर आदमी के साथ। बेसिकली मैंने ये सोचा कि यू नो एक्ट्रेसेस को यंग लगना चाहिए और ये वो, तो इट्स ट्रू कि मैंने विकिपीडिया पे, बिकॉज़ यू नो लोग विकी करते हैं आपको और पहली चीज आपके सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। एंड यू आर सो डम राइट नाउ कि तू अभी बोल भी रही है दुनिया के सामने। आर यू सेइंग इट? ऐसे फेसबुक पे मैसेजेस आते हैं ना, अदर इनबॉक्स, तो उसमें एक लड़के का मैसेज था, हाय स्वरा, मैं भी सेम स्कूल, सरदार पटेल विद्यालय जो मेरा स्कूल है, मैं भी सेम स्कूल में था और मैंने आपका विकी पेज देखा, मैंने कैलकुलेट किया, अगर आप इतने साल के हो तो आप तो इस बैच में होगे, लेकिन मेरे बैच में तो आप नहीं थे, तो जरा बताना कौन से बैच में थे। फिर वो लड़का मेरे विकी पेज पे जाके एज चेंज करते रहता था, तो कुछ दिनों तक मेरा एज हर रोज बदलता था, क्योंकि वो चेंज कर रहा था, फिर मेरे वाले लोग चेंज कर रहे थे, फिर वो चेंज कर रहा था, फिर मेरे, लेकिन ही आल्सो डिडंट हैव द राइट एज।